डिबेट में आए मेरे सब साथियों को मेरी तरफ से क्रांतिकारी लाल सलाम। साथियों, कल बेंगलोर में गौरी लंकेश की हत्या कर दी गई। कल बेंगलोर में एक और एक्टिविस्ट की हत्या कर दी गई। साथियों, इस मंच से मैं गौरी लंकेश को सलाम पेश करती हूँ। साथियों, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आपकी बेबाक आवाज आप और नहीं दबेगी। आपकी बेबाक आवाज को हम दबने नहीं देंगे। साथियों, हमारे ही नेबर, हमारे ही बगल में म्यांमार का एक देश है। उस देश में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ एक मसाज चलाया जा रहा है। उस देश में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ एक जेनोसाइड चलाया जा रहा है। उसको हम इस मन से कंडेम करते हैं। साथियों, प्लीज सेटल डाउन। Audience, please do not disturb the speaker. Let the speaker speak. Audience, please do not disturb the speaker. साथियों, जब वो रोहिंग्या मुसलमान हमारे देश में असाइलम मांगने आते हैं, तो यही मोदी सरकार कहता है कि जाओ कहीं और जाके मरो। साथियों, इसी देश में सरकार पूरे स्टेट को एक डिस्टर्ब एरिया घोषित करता है और वहाँ पे ड्रैकोनियन आपदा को लागू करता है। साथियों, ये सरकार इस देश को नफरत पे, इस देश को दमन पे, इस देश को कत्लेआम पे चलाने चाहता है, लेकिन उसके बरक्स हम इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म और डिग्निटी, लाइफ विद डिग्निटी के पक्षधर यहाँ पर खड़े हुए हैं। साथियों, मैं गीता कुमारी लेफ्ट यूनिटी की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हूँ। आप सबका इस डिबेट में स्वागत करती हूँ। साथियों, जिस वक्त आज जेएनयू का चुनाव हो रहा है, उस वक्त इस देश में एक संघ की विचारधारा और एक संघ की विचारधारा और एक हमारी विचारधारा आमने सामने खड़ी हुई है। साथियों, ये लोग हैं जो चाहता है कि देश का नागरिक सरकार से डरे, देश का नागरिक नफरत में एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन हम एक ऐसा देश चाहते हैं जहां सरकार अपने देश के नागरिकों से डरे और जनता आपस में भाईचारे के साथ, आपस में प्रेम के साथ रहे। साथियों, ये लोग एक ऐसा देश बनाना चाहता है जहां पे ये लोग ऐसा एक देश बनाना चाहता है जहाँ पे ये लोग सबको जबरदस्ती भारत माता को नारे लगाने के लिए कहता है, लेकिन उसी दौर में ये लोग रोहित वेमुला की माँ और नजीब अहमद की माँ के संघर्षों का मजाक उड़ाता है। उसी देश में ये लोग गोरखपुर में माओ के नवजात शिशुओं को दम घोट कर मार देते हैं। साथियों, इनके लिए एक मुसलमान अगर प्यार करता है तो वो जिहादी है, अगर वो प्यार ना भी करे तो वो आतंकवादी है। लेकिन जितने ही पुरोहित और जितने ही प्रज्ञा आतंकवादी आतंकवाद फैलाते रहे, वो फिर भी हिंदू राष्ट्र के हीरो बने रहते हैं। साथियों, इसी देश में ये लोग नोटबंदी लेके आता है और नोटबंदी इनके लिए गरीबों की आमदनी को, गरीबों की रोजी रोटी को रोकने की एक बंदी बनती है। साथियों, यही वो लोग हैं जो गरीबों को, जो इस देश की इकोनॉमी को मंदी में डुबा देना चाहते हैं। ये लोग मालिया को 100 करोड़ की टैक्स में छूट दे देते हैं, लेकिन जब एक किसान अपने कर्ज को माफ करवाना चाहता है, उसके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं। साथियों, इसी देश में एक हरियाणा का सीएम भी है जो कहता है कि हमारे यहाँ का सम्मान, हमारे यहाँ के स्टेट का प्रतीक महिलाओं का घूंघट है। साथियों, हरियाणा की महिला होने के नाते उनको बोलना चाहते हैं कि हमें अपने हमारे घूंघट को अपने सम्मान का प्रतीक ना बनाइए, पछताइएगा आप। साथियों इसी देश में दे वॉन्ट वन रिलीजन, वन लैंग्वेज, वन स्टेट एवरीवेयर एज
Hitler wanted one people, one empire and one leader. Satyo, they're forcing Hindi down our throats. They traffic 17 girls from Assam to Hinduize them and to make them into RSS cadres. Satyo, these are the same people who enforced NEET in Tamil Nadu and that forced Anita to give up her life. साथियों इस दौर में इस वक्त में मुझे एक पोयम याद आती है ब्रेक की कविता जिसमें वो कहते थे कि जर्नल आदमी बहुत उपयोगी होता है कि जर्नल आदमी बहुत उपयोगी होता है वो उड़ सकता है वो मार सकता है लेकिन उसमें एक दोष है कि वो सोच सकता है साथियों ये हमारी सोच से डरते हैं ये डरते हैं कि गुरमेहर कौर और गीता कुमारी जैसी सैनिक की बेटियां युद्ध के उन्माद की जगह शांति का प्रचार करेंगी साथियों ये डरते हैं रोहित वेमुला और गीता कुमारी रोहित वेमुला और गीता कुमारी जैसे छात्र तारों को छूने का सपना देखेंगे साथियों ये लोग विश्वविद्यालय को आरएसएस की शाखा बनाना चाहते हैं ये लोग विश्वविद्यालय को आरएसएस के गढ़ बनाना चाहते हैं और उसको संग्रहालय का नाम देना चाहते हैं साथियों ये कोई नई बात नहीं है याद कीजिए हिटलर का नाजी दमन सबसे पहले विश्वविद्यालय पे हुआ था और उसके बाद पूरे जर्मनी पर उसका फंदा कसा गया था और हमारे कैंपस में भी इस दौर में एक छात्र नजीब अहमद गायब हो जाता है उसके असोल्टर को बचाने के लिए हमारे वाइस चांसलर पुरजोर कोशिश करते हैं उसके असोल्टर को शील करने के लिए एक प्रॉक्टर को रिजाइन तक करना पड़ जाता है साथियों ये वही अपॉइंटेड वाइस चांसलर है जो इस कैंपस में यूजीसी गैजेट जैसा डेक्रोनियम गैजेट लागू करवाते हैं जबरदस्ती अकेडमिक काउंसिल की मैंडेट को किनार दर किनार रखते हुए साथियों उस यूजीसी गैजेट के चलते इस कैंपस में एससीएसटी ओबीसी रिजर्वेशन और खासकर पीडब्ल्यू रिजर्वेशन को एकदम सिरे से खत्म कर दिया गया है साथियों हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटी जो होते हैं वो दिव्यांग होते हैं साथियों ये समझदारी वहीं से आती है कि पहले औरतों को माता बनाइए पहले औरतों को देवी बनाइए और फिर उनको जिंदा जला दीजिए हम इस बात को सिरे से कंडेम करते हैं साथियों इसी यूजीसी गैजेट के चलते इस कैंपस में आज डेप्रिवेशन पॉइंट को लगभग खत्म कर दिया गया है और जो लोग नजीब अहमद के लिए लड़ रहे थे आज उनको इस कैंपस में सजा दी जा रही है और उनके असोल्टर्स आज इस कैंपस में जेएनयू से चुनाव लड़ रहे हैं साथियों इसी कैंपस में हमारे बीच हमारे कैंपस की जो डेमोक्रेटिक स्पेसेस है उनका आनंद किया जाता है इसी कैंपस में एड ब्लॉक पे 100 मीटर का पाबंदी लगाया जाता है इसी कैंपस में जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं जो लोग अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं उन लोगों पे लगातार शो कॉज नोटिस भेजा जाता है और इंक्वायरियों के दौर चलाए जाते हैं साथियों लेकिन इन लोगों को हम कहना चाहते हैं साथियों कि आपका आप बेशक जुल्म तुम्हारा हो सकता है लेकिन जेएनयू हमारा है और हमारा ही रहेगा साथियों एबीवीपी के अपने छात्र जो चुनाव लड़ रहे हैं उनसे मुझे सहानुभूति होता है आखिर वो क्या कहकर चुनाव में वोट मांगते होंगे आप सोचिए क्या वो ये कहकर चुनाव में वोट मांग सकते हैं कि जिस तरह हमने बाबरी मस्जिद को जिस स्पीड से हमने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया जिस स्पीड से मोदी जी ने इस देश में जॉब अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ रेट को डिमोलिश कर दिया उसी स्पीड से हमने सीटों को इस कैंपस में डिमोलिश कर दिया आइए हमको वोट दीजिए साथियों ये वही लोग हैं जो इस कैंपस में अपॉइंटेड वीसी के चलते आज अपनी हर बात पे अड़े रहते हैं और सर्कल्स होने के बावजूद इनको कोई सजा नहीं दी जाती है साथियों इसी कैंपस में आज सीट कट एक मुद्दा है साथियों आप लोग एबीवीपी किसी स्टूडेंट का सगा नहीं हो सकता है ये बात जान लीजिए एबीवीपी सिर्फ एक वाइस चांसलर का सगा हो सकता है एबीवीपी सिर्फ आरएसएस बीजेपी का सगा हो सकता है इसी कैंपस में साइंस स्कूल और संस्कृत स्कूल में इन लोगों को वोट देकर काउंसलर बनाया था और इन लोगों ने उस स्कूल में भी सीट कट हुआ था साथियों आज साइंस स्कूल पर लगातार अटैक किया जा रहा है कंप्यूटर साइंस जैसे स्कूल को बंद करने की कोशिश की जा
फेलोशिप को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और ये लोग वहाँ पे उसके खिलाफ नहीं बोले। सीट कट होगा तो पूरे कैंपस के लिए होगा, उसमें राइट और लेफ्ट नहीं देखा जाएगा। सीट कट होगा पूरे कैंपस के लिए इन्होंने करवाया है। साथियों, अपने बापसा के साथियों को भी मैं एक बात कहना चाहूंगी कि इस कैंपस में लाल बाबू एक है कहते हैं, तो क्या डेप्रिवेशन पॉइंट्स की लड़ाई, तो क्या एमसीएम की लड़ाई, क्या इस कैंपस के फीस स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, क्या इस कैंपस में ओबीसी रिजर्वेशन के लिए लड़ना, क्या इस कैंपस में जब पूरे देश में ओबीसी रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ था, इस देश में तब भी 5 पॉइंट ओबीसी के छात्रों को दिए जाते थे, क्या ये सब लड़ाइयां आप संघ की झोली में डाल देना चाहते हैं? बताइए साथियों, क्लियर कीजिए। साथियों, अगर आपको लाल बाबुआ एक लगता है हम मान सकते हैं, लेकिन पूरे साल भर एड ब्लॉक पे 2 सीढ़ी ऊपर कर चढ़कर कौन सी क्रांति कर रहे थे भाई? पूरे साल भर आप लोग जेएनयू एडमिन पर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ काम, पीसी के खिलाफ काम, जेएनयू एसयू के खिलाफ आप लोग ज्यादा बोले हैं। पूरे साल भर आप लोग उसी एड ब्लॉक पर वीसी को क्या संदेश देना चाहते थे? नजीब अहमद केस में आपकी लाइन एबीवीपी से इतनी क्यों मिलती है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। यूजीसी कट पे आप बोलते हैं कि जेएनयू एसयू कोर्ट चला गया, ये भी एबीवीपी से क्यों मिलती है? जवाब दीजिए साथियों। पहले सीट कट हुआ और तब कोर्ट जाया गया। साथियों, ये वही बात हो गई कि किसी को हॉस्पिटल जाने से बुखार हो गया। पहले बुखार होता है फिर लोग हॉस्पिटल जाता है। साथियों, लेफ्ट यूनिटी पैनल की कमिटमेंट है कि हम नजीब के न्याय के लिए लड़ेंगे। लेफ्ट यूनिटी पैनल की कमिटमेंट है कि हम सीट कट को रिवर्स करवाएंगे। लेफ्ट यूनिटी पैनल की कमिटमेंट है कि इस कैंपस में गर्ल्स के लिए भी सिंगल हॉस्टल बनेगा। लेफ्ट यूनिटी की कमिटमेंट है कोशिश की जा रही है, डिमांड करेंगे सारे डेमोक्रेटिक और इंसान के पुलिसों को भी इस